ओके गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ये रीच कर के स्टार्ट आउट। तो अगर आपको ही मेरे वीडियोस में स्टार्ट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। और गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज्यादा ओपी शेडर देने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइस, उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर लो। हम बहुत ज्यादा क्लोज है 50K सब्सक्राइबर के, तो आप लोग जरूर से चेकआउट करना कि आपने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। तो कर लो यार सब्सक्राइब। गाइस, इस शेडर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को देखकर पहले आप लोग अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट कर लेना, तभी ये शेडर वर्क करेगा। ओके गाइस, तभी मैंने उस वाले शेडर को लगा दिया है। और गाइस, शेडर को लगाने के बाद आप लोग ये देखो यार, डॉट में कितनी ज्यादा डिटेलिंग आ गई है। और सिर्फ डॉट ही नहीं, हर एक चीज में बहुत ज्यादा डिटेलिंग आ जाएगी, हर चीज बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगने वाली है। आप लोग देख सकते हो यार कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। ये देखो यार, यहाँ का सैंड भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग आ गया सैंड में। और गाइस, आप लोग ग्रास को भी देख सकते हो यार, ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और गाइस, यहां का फ्लावर भी बहुत ज्यादा मस्त है। और गाइस, इस वाले शेडर को लगाने के बाद इन सारे मॉब्स को भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग आ जाएगी। आप लोग देख सकते हो यार, ये चिकन में कितना ज्यादा डिटेलिंग आ गया है। और यहां का आप शिप को देख सकते हो, ये भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और गाइस, ये देखो यार, डायमंड का आर्मर तो और ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। तो गाइस, आप लोग इस शेडर को ऐड करने के बाद हर चीज की टेक्सचर अच्छे से देख लेना। तो चलो मैं आपको बताता हूं आप लोग इस शेडर को कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस, इस शेडर को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्राफ्टिंग बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लोग कर लेना। उसके बाद गाइस, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगी, तो आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना है। तो आप लोग क्लिक करोगे तो ये वाली पेज आपकी ओपन हो जाएगी। देन गाइस, आप लोगों को इस जगह पर क्लिक कर इस वाले शेडर को डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। तो नीचे की तरफ आप लोगों को डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, तो गाइस आपको सिंपली डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस, आप लोगों को वेट करना है शेडर की डाउनलोड होने की। तभी मेरा शेडर डाउनलोड हो गया है। तो गाइस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर गाइस, आपको क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और गाइस, आपको नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुल इंपोर्टेड। और गाइस, ये सक्सेसफुल इंपोर्टेड तभी आएगा जब आप अपने क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग को माइनक्राफ्ट में कन्वर्ट किए होंगे। तो मेक श्योर आप अपने जिसे अभी आपने इंस्टॉल किया था, तो गाइस आपको सिंपली इस वाले टेक्सचर पैक को एक्टिवेट कर लेना है। तो एक्टिवेट करने के बाद आप लोग यहाँ से एग्जिट ले लेना, देन गाइस आपकी शेडर एक्टिवेट हो जाएगी। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे तो अपने अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, सायोनारा। और गाइस, जल्दी से मेरी 50K सब्सक्राइबर करवा दो। चेक कर लो यार आपने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं। नहीं किया तो जल्दी से यार सब्सक्राइब करो। तो क्या पता मेरे करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया।